पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक समस्या का सामना कर रहा है। ऐसे में उसके पास एक ऐसी खदान है जो तमाम मुसीबतों से उसे एक झटके में बाहर ला सकती है। बलूचिस्तान में स्थित रेकोडिक दुनिया के सबसे बड़े अयस्क भंडारों में से एक मानी जाती है। इसमें हर साल 2 लाख टन ताबा और 2.5 लाख औंस सोना उत्पाद की क्षमता है। पाकिस्तान सरकार इस खदान का 15% हिस्सा सऊदी अरब को बेचने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि ये बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लाइन पर ला सकता है। पाकिस्तान एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और मित्र राष्ट्रों से मिली वित्तीय सहायता के बावजूद इसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस मुश्किल समय में बलूचिस्तान में स्थित रेकोडिक खदान पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन साबित हो सकती है। बता दें, रेकोडिक दुनिया के सबसे बड़े अविकसित तांबा और सोने के भंडारों में से एक है। इसमें हर साल 2 लाख टन तांबा और 2.5 लाख औंस सोना उत्पादन की क्षमता है। माना जा रहा है कि अगर लगातार इसका खनन किया गया तो भी इससे अगले 50 साल तक दोहन जारी रह सकता है। इस खदान का सही ढंग से उपयोग करने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF ने हाल ही में रेकोडिक खदान परियोजना में 15% हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जताई है। इसके साथ ही खनन क्षेत्र के आसपास के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अनुदान देने का प्रस्ताव भी रखा है। अगर पाकिस्तान इस ऑफर को मानता है तो तत्कालीन तौर पर उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। पाकिस्तान की वर्तमान आर्थिक स्थिति कमजोर है। देश का विदेशी कर्जा उसकी GDP का 42% तक पहुंच गया है। IMF से मिली सहायता के बावजूद स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हो पाया है। ऐसे में रेकोडिक जैसी खदानें पाकिस्तान के लिए आर्थिक संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सऊदी अरब के इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक समिति गठित की है। ये समिति प्रस्ताव की समीक्षा करेगी और कैबिनेट को अंतिम मूल्य निर्धारण पर सिफारिश करेंगी। रेकोडिक खदान परियोजना का 50% हिस्सा बैरक गोल्ड के पास है, जबकि बाकी 50% पाकिस्तान और बलूचिस्तान सरकार के बीच बटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ खबर है, ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के मुताबिक एक ईरानी जहाज कुवैत के जल क्षेत्र में डूब गया है। बताया गया है कि इस हादसे के बाद कुवैत के जल क्षेत्र से 300 बरामद कर लिए गए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने मंगलवार को ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बयान के हवाले से बताया कि ये घटना रविवार को घटित हुई है। एक ईरानी जहाज कुवैत के जल क्षेत्रों में हादसे का शिकार हो गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक हादसे की जानकारी मिलने के बाद ईरान और कुवैत के अधिकारियों ने तुरंत ही खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया। समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण संगठन के महानिदेशक नासिर पासांडे के हवाले से PMO ने एक बयान में बताया कि आरा बख्तर नाम के जहाज पर चालक दल के 6 सदस्य सवार थे, जिनमें 3 ईरानी और 3 भारतीय शामिल थे। महानिदेशक नासिर पासांडे ने पुष्टि करते हुए बताया कि खोज और बचाव अभियान के दौरान 300 बरामद कर लिए गए हैं, जबकि चालक दल के लापता सदस्यों का तलाशी अभियान जारी है। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि रविवार को किन कारणों से यह हादसा हुआ। एक ईरानी अधिकारी ने कहा कि अन्य 3 लोगों के शवों की तलाश के लिए खोज अभियान अभी भी जारी है।